मैंगो पोड़ो पिठा या मैंगो केक। क्यों दोस्तों, देख के मुंह में पानी आ रहा है ना। ये उड़ीसा का एक ट्रेडिशनल डिश है जिसे आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत हेल्दी होता है और राजों के मौके पर स्पेशली बनाया जाता है। बिना मैदा, बिना ओवन, बिना शुगर और बिना बटर के बना हुआ केक। नमस्ते, मैं बबली फ्रॉम बबलीज कैफेटेरिया। आप सबकी प्यार, आशीर्वाद और मेरी फैमिली की पूरी सपोर्ट की वजह से आज मैं मेरा पहला रेसिपी वीडियो मेरी चैनल बबलीज कैफेटेरिया में अपलोड कर रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, अभी राजो का माहौल चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ट्रेडिशनल डिश बनाया जाए जो कि राजो में स्पेशली उड़ीसा में बनता है। हर घर में उड़ीसा में ये डिश बनता है राजो स्पेशल में, और वो है पोड़ो पिठा। और आज मैं जो पोड़ो पिठा बना रही हूँ उसमें मैं मैंगो ऐड करके मैंगो पोड़ो पिठा बनाने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप सबको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी, तो चलिए उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पोड़ो पिठा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप उड़द दाल और आधा कप चावल, जिसको हम अच्छे से धो के उसको भिगा के 4-5 घंटे के लिए रख देते हैं। फिर उसका बैटर बना के वो बैटर को भी 4 घंटे के लिए कवर करके रखते हैं, फिर जैसे कि वो अच्छे से फूल जाए। उसके अलावा हमें चाहिए कुछ मैंगो पल, जैगरी और गुड़, सम चॉप कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट, कैज्यू नट्स, घी, कार्डमम एंड ब्लैक पेपर पाउडर, ग्रेटेड जिंजर, सम सॉल्ट। सबसे पहले एक पैन गरम करके उसमें घी ऐड करेंगे और उसमें कैज्यू नट को फ्राई करते रहना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। जब ये पूरी तरह से गोल्डन हो जाए तभी उसको निकाल के एक बाउल में रख देंगे। ये देखिए गोल्डन हो गया और मैंने उसको निकाल के रख भी दिया। उसी पैन में हमें मैंगो पल्प ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 1 कप मैंगो पल्प लिया है और उसको अच्छे से लगातार चलाते ही रहना है। 1-2 मिनट तक अच्छे से लगातार चलाएंगे, नहीं तो ये नीचे से जलने का चांसेस है। फिर उसमें हम गुड़ ऐड करेंगे, और आपका मैंगो कितना मीठा है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना गुड़ ऐड करेंगे। फिर उसको लगातार चलाते रहेंगे और भी लो फ्लेम में, जब तक ये अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए, नहीं तो नीचे से जलने का चांसेस रहता है। फिर उसको 5 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को हम बैटर में मिला देंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट और थोड़ा सा कैज्यू नट को बचा के रखा है ऊपर गार्निश करने के लिए। फिर उसको अच्छे से मिलाते रहिए जब तक सारे इंग्रेडिएंट्स बैटर में अच्छे से मिल ना जाए। एक केक टिन में हम अच्छे से घी लगा के उसको ग्रीस कर लेंगे। फिर हम उसमें हमारा बैटर को डालेंगे। हम फूल नहीं करेंगे, उसको 3/4 तक डालेंगे, क्योंकि हमारा पोड़ो पिठा फूल के थोड़ा ऊपर आएगा। फिर थोड़ा सा टैप करेंगे जैसे कि कोई एयर बबल उसमें रह ना जाए। फिर उसमें ऊपर से बचे हुए कोकोनट और कैज्यू नट्स को डाल के अच्छे से गार्निश कर लेंगे।
जैसे कि आप सबको पता है, हम इसको ओवन में बेक नहीं करेंगे, इसलिए हम एक तावा को गर्म करेंगे 5 मिनट, और उसके ऊपर एक कुकर को रखेंगे, और कुकर जब अच्छे से 5 मिनट और गर्म करेंगे, जैसे कि अच्छे से प्री हीट हो जाए, फिर उसमें वही केक टिन को रख देंगे, और कुकर का व्हिसिल को निकाल के उसको बंद करके तकरीबन 40 मिनट्स तक उसको बेक करेंगे। अब 40 मिनट्स हो गया और हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा पोड़ो पिठा अच्छे से बेक हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक चाकू इंसर्ट करते हैं उसमें और देखते हैं, ये अच्छे से निकल आ रहा है, मतलब उसमें कुछ लगा नहीं है बैटर, तो अच्छे से बेक हो गया। फिर हम उसके ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए फिर हम उसको डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा अच्छे से ठंडा हो गया और हमने डीमोल्ड भी कर दिया। बचे हुए बैटर से और भी एक पोड़ो पीठा बनाया था, उसको भी डीमोल्ड कर देते हैं। हमारा पोड़ो पीठा अभी बन के तैयार है, हम इसको काट के सर्व करते हैं। फिर ये देखिए कितने अच्छे से बेक हुआ है हमारा पोड़ो पीठा। ये तैयार है आप सबके लिए मैंगो पोड़ो पीठा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी चैनल बबलीज कैफेटेरिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।